Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखिए कौन से चैप्टर शुरू करे थे, एयर एंड वाटर, ठीक है, पानी और हवा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती हैं बताइए, नाम बताइए। ट्रोपोस्फेयर नंबर वन क्या थी, ट्रोपोस्फेयर। नंबर टू स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नंबर थ्री मीजोस्फेयर। नंबर फोर थर्मोस्फेयर। और लास्ट वन क्या थी, फाइव एग्जोस्फेयर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इतनी टाइप्स ऑफ लेयर्स पढ़ी थी। फिर इसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाउ डू एटमॉस्फेयर हेल्प, एटमॉस्फेयर हमारी मदद कैसे करता है, तो थ्रू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के थ्रू हमारे जो एटमॉस्फेयर उसको मदद होती है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। लकी कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि कई सारी चीज़ें मिलकर बन जाना, ठीक है, उसको होता है कंपोजिशन ऑफ एयर। लकी एयर का कैसे बनना, एयर किससे किस किन चीज़ों से मिलके बनी है, कैसे वो कंपोजिशन हुआ है उसका, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि एयर हवा, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है एयर, क्या है एयर, इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, आप लोग जानते हैं गैसेस, भाई ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए इन्हीं सब का क्या है, मिश्रण ही, इन्हीं सभी का मिश्रण ही क्या कहलाता है, एयर कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब देखिए इट कंटेन्स, अब ये कि रखता क्या क्या है एयर, कि 78% नाइट्रोजन, क्या है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कितना 21% ऑक्सीजन, एंड और 1% अदर गैसेस। अदर गैसेस मतलब कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के और भी गैसेस आती हैं 1% में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन गैस है, एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर जो भाप बन के उड़ता है वो भी तो एक गैस है भाई, एक तरीके, भाई हम लोग ने पढ़ा था पहले कि सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरीके, जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है, स्टीम फॉर्म में गैस बन के उड़ जाती है, ठीक है। तो वो वाटर वेपर भी क्या है, गैस है। तो देखिए कि बीसाइड्स दिस, मतलब कि इनके अलावा, इनके अलावा मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर, इनके अलावा एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक। क्या चीज रखता है एयर, आल्सो कंटेन डस्ट, डस्ट मींस धूल गर्दे जो होते हैं, जो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मोक रखता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी पानी की जो मात्रा है, वेरीज, वेरीज मतलब बदलती रहती है, कहाँ, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पर पानी की मात्रा, ठीक है, और पानी की मात्रा भी मतलब उसकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों चेंज होती रहती है। जैसे देखिए इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में पानी हम लोग जो पीते हैं वो देखिए उसका टेस्ट कुछ और है, अभी आप आगरा चले जाइए तो वहाँ पे पानी का टेस्ट कुछ और होगा, आप लोग दिल्ली चले जाइए तो वहाँ भी पानी का टेस्ट कुछ और होगा। तो इस तरीके से क्या, इसीलिए कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई हैज मोर वाटर वेपर इन एयर, इसलिए चेन्नई में हैज मोर वाटर वेपर इन एयर देन दिल्ली, दिल्ली की वजह, दिल्ली की अपेक्षा चेन्नई में ज़्यादा वाटर वेपर होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज सिचुएटेड नियर द सी, क्योंकि चेन्नई कहाँ स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है। सी वाटर एवोपरेट्स, जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर एवोपरेट्स होता है, भाई भाप बन के उड़ता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन, ठीक है, सूर्य की उष्मा के कारण, सूर्य की मतलब कि उसकी जो गर्मी है सूरज की, उसके कारण वो उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। दिस रिजल्ट्स, या परिणाम होता है कि इन इंक्रीज ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसी कारण से चेन्नई में वो जो वाटर वेपर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, हवा में।
द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, लाइक जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो हवा में उपस्थित है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर एक निश्चित तापमान पर, इस उसको क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्या ह्यूमिडिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब कि हवा में जो वाटर वेपर की मात्रा जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, एयर का, ठीक है, इस एयर का जो मेन कंपोनेंट्स है हम उसको इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। नंबर वन हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन। हम लोग नाइट्रोजन की बात पहले करेंगे। नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, 78% है। तो देखिए, द मेजर पोर्शन ऑफ द एयर, मतलब कि एयर मतलब हवा का पूरा हो, एयर मतलब एयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, देखिए एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो जो मेजर पोर्शन ऑफ एयर है इज मेड ऑफ नाइट्रोजन, जो मतलब कि मेजर पोर्शन में ज्यादा ज्यादा भाग क्या है, नाइट्रोजन का बना हुआ है। इट टेक अप्स नियरली 3/4 ऑफ द वॉल्यूम दैट द एयर ऑक्युपाइज द अर्थ सरफेस, मतलब कि अर्थ एटमोसफियर में, अर्थ के एटमोसफियर में जो एयर ऑक्युपाइज की है उसका 3/4, 3/4 वॉल्यूम है। अब देखिए, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, देखिए जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, वो नाइट्रोजन से ही वो उनका, जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन के बिना हम लोग बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन क्या है, बहुत बड़ा मुख्य भाग है सभी लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, द एयर यू ब्रीथ इन, मतलब जो हम सांस लेते हैं इन, इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहेल्ड एयर, मतलब जो हम जैसे सांस ली तो ये क्या है, इनहेल्ड एयर, मतलब हमने अंदर सांस ली है। एंड द एयर यू ब्रीथ आउट, जो हमने देखिए बाहर सांस छोड़ दी, तो क्या ये इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर। एक्स मीन्स बाहर निकलना, इन मीन्स अंदर जाना, तो एक्सहेल्ड एयर है। यू इनहेल ऑक्सीजन, आप क्या इनहेल करते हो, ऑक्सीजन एयर इनहेल करते हो। एंड एक्सहेल, और बाहर क्या निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एयर निकालते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं हम लोग, देखिए सांस लेवल लिया मैंने, फिर मैंने सांस छोड़ दिया, तो ये हमारा क्या ब्रीथिंग प्रोसेस है, हमारे ह्यूमन की क्या है, ब्रीथिंग प्रोसेस है। तो हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। और एक बात और है कि ऑक्सीजन, मतलब कि जलने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के आप कहीं भी मतलब कि कुछ चीज़ बर्न नहीं कर सकते हो। नंबर थ्री देखे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस मेक्स अप वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर। क्या कितना परसेंट है भाई, कितना, 1% केवल। ठीक है, तो ये 1% जो है क्या, बहुत ही वेरी स्मॉल कंपोनेंट है। एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। देखिए, एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ठीक है, हम लोगों का उल्टा प्रोसेस है, हम लोगों का उल्टा प्रोसेस होता है उनमें। अब देखिए, हम लोग स्मोक और डस्ट की बात करेंगे। तो एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, और हवा में क्या है, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। हैव यू एवर सीन अ बीम ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ अ स्लिट और अ होल ऑफ अ डार्क रूम। आप लोगों ने कभी स्लिट देखा है, स्लिट नहीं देखा होगा, तो ऐसा करिए कि देखिए, जब रोशनी, धूप है दिन के उजाले में, रोशनी है, देखिए खिड़की से आप हल्की सी खिड़की खोलिए तो देखिए एक रेज, मतलब कि जो अगर सूरज ऊपर है तो उसमें देखिए एक रेज आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए खिड़की खुली है तो वो रेज आएगी यहाँ से, हाँ, उस रेज में क्या होगा कि बहुत छोटे छोटे
पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस पिक्चर में देखिए ये खिड़की है, खिड़की में देखिए इस हल्का हल्का बहुत ही हल्का हल्का जैसे गर्दा टाइप का धूल टाइप का आपको कुछ दिखाई देगा उसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि स्लिट और होल डार्क रूम लुक केयरफुली एट द फिगर। ठीक है, जैसे मैंने बताया फिगर में आप लोग देखिए ध्यान से, व्हाट डू यू सी इन अ बीम ऑफ लाइट, आप लोग बीम ऑफ लाइट में क्या देखते हैं, यू विल सी सम टाइनी शाइनी पार्टिकल्स फ्लोट इन द बीम ऑफ सनलाइट, उस बीम ऑफ सनलाइट में टाइनी शाइनी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं उसमें फ्लोट कर रहे होंगे उसमें। दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, यह दिखाता है यह बताता है कि एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, ये बताता है कि हवा में भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ठीक है, इतना आज आप लोगों का क्लियर हुआ, तो हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन वाटर वेपर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ ली है। ओके, थैंक यू क्लास।